क्या आपने क्यारा अडवाणी को कभी फॉलो किया? जी प्रीति है सबकी, वो तो फॉलो करेंगे सभी। तो आपने क्यारा अवतार को देखा है? बहुत बार देखा है, मीम्स में ज्यादातर देखा है। अच्छा जी, उसमें क्यारा अवतार भी आया जो कैमरा बॉयज ने बनाया, क्या आपने वो देखा है? देखा। तो आपको कैसा? बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। तो आपको उससे सबसे बेस्ट चीज क्या लगी? सबसे बेस्ट चीज भैया क्या लगी, एक तो उसकी लुक वाइज वगैरह ये सब चीज, तो जो ग्राफिक्स को प्रॉपर तरीके से बनाया गया, जो मीम को बनाया गया, आपको उसको देखकर काफी अच्छा लगा राइट? बिल्कुल भैया बिल्कुल, एंजॉय हुआ बहुत ज्यादा। मतलब आपको तो कम से कम 30 सेकंड की नजर ना हटी नहीं होगी है ना? बिल्कुल, एक मिनट। हेल्प एफ पर आज हम ऐसे डिजिटल आर्टिस्ट को कवर करने जा रहे हैं जिनका वर्क E24, रिपब्लिक, आज तक, LiveHindustan.com, News18.com और ऐसे तमाम न्यूज चैनल पर वायरल हुआ है, और साथ ही साथ खुद कायरा ने भी इंस्टाग्राम पर इनका वर्क शेयर किया। आइए जानते हैं इनसे इन्हीं की जुबानी में। ओवर टू यू मिस्टर कायरा। हाय। हेलो। So, आपने ये स्टार्ट कैसे किया? लाइक आपको मतलब लाइक कहाँ से मतलब एक इंस्पिरेशन मिली कि ये चीज मुझे करनी चाहिए? क्यारा अवतार के लिए डेट। ओके, तो क्यारा अवतार के लिए जब मैं बना रहा था अपना इमेज, तो उसके ऊपर मैं लीव से उसके ऊपर कुछ एडिट कर रहा था। अच्छा अच्छा, ओके। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उसका जो फेस था दिख नहीं रहा था। ओके। फिर मुझे आश्विन ने, जो मेरा फ्रेंड है, okay. उसने मुझे आइडिया दिया कि इसको अवतार का रूप दो। ओके। मैं ठीक है ट्राई करते हैं। ओके। फिर लगभग 2 घंटे हम बैठे उस पर एडिट करा, उन्होंने okay. भी मेरी हेल्प करी, और फिर उसके बाद मेरा दोस्त मेरे पास आ गया था जिसका नाम है आशुतोष। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर थोड़ा टेक्सचर डालो। मैं ठीक है, तो उनको टेक्निकली कुछ नहीं पता, बट okay. उनका ब्रेन थोड़ा मीम टाइप में चलता है। ओके ओके। हाँ, तो बस फिर लगभग 3 घंटे अप्रोक्स 3 घंटे हमने उस पर मेहनत करी। ठीक है, इन टोटल लगभग 4 या 5 घंटे थे, बट उस पर्टिकुलर ग्राफिक पे हमने 3 घंटे मेहनत करी, और फिर उसके बाद उसको अपलोड करा, और फिर जब देखा तो 2 घंटे बाद उस पर 500 लाइक, 1000 लाइक देखा, तो उसके शेयर्स 1000, 2000, 3000, लगभग 8000 शेयर्स अभी उसके हैं। और फिर नेक्स्ट डे देखा कियारा अडवाणी ने उसको अपने शेयर कर दिया स्टोरी पर, और जब वो मैंने देखा तो मेरे लिटरली हाथ कप आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ऐसा पॉसिबल है भी कि नहीं। और फिर मैंने अपने दोस्तों से कंफर्म कराया कि भाई देखो कियारा का ऑफिशियल पेज है अपने, वहाँ पे जितने भी बैठे हुए थे हम, तो वहाँ पे देखा कि भाई हाँ ये ऑफिशियल पेज है, फिर उसके बाद तो सुर्खियों में आ गई कियारा अवतार। अच्छा, तो कियारा अवतार तो हो गया, लेकिन इसके बाद आप और चीज़ क्या करते हैं अपने अपने इंस्टाग्राम पेज पे? जो भी आप मीम्स बनाते हैं वो मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे मतलब फोटोज को एडिट करके डालते हैं या फिर कुछ और भी डालते हैं? मैं एक्चुअली थोड़ा सा ना कोशिश करता हूँ कि अलग से बनाऊँ कुछ भी। ओके। अगर कुछ भी बना रहा तो उसके अंदर थोड़ा सा एडिटिंग पार्ट डालूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग करना अच्छा लगता है, मैं वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से करता हूँ। अच्छा। और उसी के मैं ट्यूटोरियल्स भी बनाता हूँ, जो मैं अपलोड करता हूँ उसके ट्यूटोरियल्स मैं यूट्यूब में अपलोड करते रहता हूँ। लेकिन अभी 1 महीने से मैं अपनी वेबसाइट पर वर्क कर रहा था, इसलिए अपलोड कुछ नहीं कर पाया, बट रेगुलर मैं करने वाला हूँ, कुछ 1 या 2 वीक्स में फिर से मैं रेगुलर हो जाऊँगा। और इसके अलावा आपके कौन से ऐसे मीम्स हैं जो मतलब वायरल हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, या फिर ऐसी वीडियोस कोई? हाँ, एक वीडियो थी मेरी, वैसे वीडियो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पार्ट वायरल हो ही जाता है, बट एक बाबू राव जो हमारे बाबू भैया हैं हेरा फेरी से, उनका मैंने पॉकीमोन वर्जन बनाया था। हाँ, तो वो जब पोस्ट हुआ था तो मिलियन जो फॉलोअर्स पेजेस के हैं, लाइक 2-4 पेजेस है, लाइक हाई ब्रोस वगैरह, उन्होंने शेयर करा था। okay. तो वो मेरे लिए बहुत अलग ही मैटर था कि यार इतने बड़े पेज ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं, तो मुझे और बनाना चाहिए। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा अलग बनाऊँ, भले ही टाइम ले, अगर कुछ भी पोस्ट करो तो बहुत टाइम ले कर बनाता हूँ, बट कुछ कोशिश करके अपना बेस्ट देता हूँ हमेशा। और आपने ये चीज़ों की शुरुआत कहाँ से करी? लेकिन बिकॉज एक वक्त नहीं कि लाइक एक एक पॉइंट होता है कि बंदा वहाँ से स्टार्ट कर, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? ओके, बेसिकली जब मैं मीम्स बना रहा था ना शुरुआत में, लगभग 2 साल पहले के आसपास, तो वहाँ पे ना मुझे ग्रीन स्क्रीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। ओके ओके। तो जो मेरा
नाम है कैमरा बॉयज, वो ग्रीन स्क्रीन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके। हाँ, तो मैं ग्रीन स्क्रीन प्रोवाइड करने लग गया। पहले के एक साल तक तो मैंने ग्रीन स्क्रीन इतनी सारी बनाई, अपना टाइम पूरा यूटिलाइज़ करा। कॉलेज टाइम में था तो पूरा ग्रीन स्क्रीन बनाता रहा, जो भी मन में आ रहा वो बनाता रहा। लेकिन ऐसी ग्रीन स्क्रीन बनाया था जिसकी मीम्स बन सके, जिसको मैं दिमाग में सोच सकूँ कि यार इसकी ऐसी मीम बन सकती है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके इंस्टाग्राम में मैं आया, इंस्टाग्राम में मैंने पोस्ट मारे, फिर उसमें से एक मीम पेज ने मेरा जो पोस्ट है वो आगे शेयर कर दिया कि ये ग्रीन स्क्रीन प्रोवाइड करता है। तो उससे मेरे पेज को थोड़ा सा बूस्ट मिला और जितने भी मीम कम्युनिटी के अंदर थे इंडिया के अंदर, तो उन सब के पास मैसेज आने लग गए कि भाई आप ग्रीन स्क्रीन बनाते हो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर वहाँ से मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिला कि यार अब तो मैं बना के रहूँगा, ग्रीन स्क्रीन को बहुत ऊपर लेवल पर पहुँचाना कुछ भी करके, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन इंडिया में कोई नहीं बना रहा। सो ये जो आप ग्रीन स्क्रीन जो बनाते हैं उसके अंदर कितना एडिटिंग में टाइम लगता है, थोड़ा बता सकते हैं? डिपेंड करता है ग्रीन स्क्रीन के ऊपर कि कितना टाइम लगता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि 5 या 10 सेकंड की अगर कोई वीडियो है, ठीक है, उसमें से अगर मुझे किसी को कट करना है, ग्रीन स्क्रीन का मतलब कि आप मास्किंग कर रहे हो, और मास्किंग एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। अगर अभी मैं अपने आप को ही निकालूँ, अगर मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद इन हाथों को निकालने मुझे एक एक फ्रेम को कट करना पड़ता है। हाँ, वो मैं करता हूँ आफ्टर इफेक्ट के थ्रू, एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर एडोबी का, उसके थ्रू मैं करता हूँ। तो एक सेकंड के अंदर 24 फ्रेम्स है, उन 24 फ्रेम्स को मुझे निकालना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। सो अगर आप काफ़ी चीज़ टेक्निकल लग रही है तो आप इनके एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर कुछ देख सकते हैं, उनके वर्क और देख सकते हैं कि जाकर करते कैसे और करते क्या हैं। अच्छा भाई, देखो छोटी सी बात बताइए, जो कारा अवतार जो आपका एक बार जो पोस्ट हुआ है, रीपोस्ट हुआ है, शेयर हुआ है, सो उस टाइम पे आपने अपने घर वालों से किस तरीके से बात करी, मतलब कैसे बताया? पहले तो मैंने रात को ही बताया, मम्मी देखो ये बहुत फेमस हो रहा है, पापा को भी दिखाया, पापा देखो मैंने ये बनाया, बोला बड़ा अच्छा बनाया बेटा, बहुत सही लग रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे कियारा ने शेयर कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद मैंने घर में कॉल करा, मम्मी देखो ये शेयर कर दिया, पापा देखो ये शेयर कर दिया, छोटे भाई को भी बताया, भाई शेयर कर दिया, देख देख देख, वो भी बोल रहा है ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद मेरे पास जो मेरा एक दोस्त है उसका मैसेज आया, भाई ये ना E24 पे आई है पिक्चर, टीवी पे। टीवी पे? हाँ, टीवी पे। That means आप देख सकते हो डिजिटल मीडिया के जरिए कितना मतलब को बूस्टर मिला, उनके काम को इवन E24 तक पहुंच गई। उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास फिर मैसेज आने लग गए कि भाई देखो ये स्क्रीनशॉट है, ये आपका आज तक पे है, न्यूज 18 पर है, और कुछ दो तीन प्लेटफॉर्म होते हैं, रिपब्लिक पर। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे जब मैंने देखा भाई यार ऐसे कैसे हो सकता है। और अभी अभी आज सुबह ही मेरे पास एक इमेज फिर से आई, भाई देखो आपका जो ये इमेज है ना ये न्यूज़पेपर में। सो आप देख सकते हो कि डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में इनका पूरा उन्होंने जो मीम बनाया है, कारा अवतार फेमस हो चुका है, हर जगह पब्लिश हो चुका है। तो आप इनकी टी शर्ट पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मीमर हूँ BC। सो अच्छा, वैसे बाय द वे एक बार बताइए, एक जो हमारी कम्युनिटी है मीम कम्युनिटी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मीम जो है हमारा एंटरटेनमेंट पे, हमारा जो अपना एंटरटेनमेंट है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, और ये ग्रोइंग कम्युनिटी है, और ये कभी डेड नहीं हो सकती, एवरग्रीन। अगर आप एक मीम बना रहे हो, ठीक है, लाइक कि पहले वाइंस चलता था, अब चलता है मीम्स, ठीक है, अब वाइंस को टेक ओवर कर लिया मीम ने, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि नाम चेंज हो सकता है, बट जो फील्ड है वो चेंज नहीं हो रही है, वो चीज़ एवरग्रीन है। तो यहाँ पे अभी जो मीम नेम चल रहा है, तो मीम के साथ ही हर कोई ग्रो कर रहा है, वो बात अलग है कि अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा डार्क मीम लेकर जाते हो, डार्क इन द सेंस कि थोड़ा पॉलिटिकली और थोड़ा सा किसी को अच्छा ना लगे, तो उसमें बंदे रिपोर्ट करने लग जाते हैं, और फिर वो पेज हो जाता है जूम्ड, ठीक है। ऐसे मेरे साथ एक बार हुआ था, मेरा 1 वीक के लिए पोस्ट मैं नहीं कर सकता, मैं जूम्ड हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे पेज मैंने देखे हैं कि जूम्ड हो जाते हैं, बिल्कुल बंद भी हो जाते हैं, बट वो ये चीज़ ना बंद नहीं करते, अपनी जो क्रिएटिविटी है वो बंद नहीं करते। इस चीज़ को मैं कहता हूँ आर्ट, ये क्रिएटिव आर्ट है जो आप अपना दिखाते हो। तो ऐसे ही मैं अपनी क्रिएटिव आर्ट दिखाते रहता हूँ, अपनी एडिटिंग को उसके अंदर यूज़ करता हूँ कि आप एडिटिंग पार्ट को क्रिएटिवली कैसे यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई मीम स्पेशल जो आपने मतलब स्पेशल बनाया हो, और उसको बनाने में आपको बहुत मज़ा आया और उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया हो? एक्चुअली जब भी मैं मीम बनाता हूँ ना, तो
पूरा दिल से बनाता हूँ, हर एक मीम जबरदस्त बनाता, मतलब कोशिश करता हूँ सारे मीम्स के अंदर इनका खून पसीना दिल विल सब लगा हुआ है ना, सबको दिल से बनाता हूँ, तब जाके वो आगे शेयर भी होती है और लोगों को पसंद भी आती है, और तब तक मैं अपलोड नहीं करता जब तक कि वो मुझे अच्छी ना लगे। एटलीस्ट अगर छोटा सा भी पॉइंट लगता है ना कि यार यहाँ पे कमी है, तो मैं 15-20 मिनट एक्स्ट्रा देके उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। भले उसमें अगर मैं 3 घंटे लगा रहा हूँ, 4 घंटे लगा रहा हूँ, 15 मिनट एक्स्ट्रा देने में कोई फर्ज नहीं। सो मैंने आपकी बात डायरेक्ट करण जी से करवाई है जो मीम्स बनाते हैं कैमरा बॉयज के ऊपर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने वाली बात यह है कि जितने भी मीम्स आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर, हर जगह देखते हो, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक आर्टिस्ट छुपा होता है, और एक आर्टिस्ट ये भी है। सो आपसे मिल काफ़ी अच्छा लगा, एंड नो डाउट आपने हमें बहुत कुछ बताया, इवन एक टेक्निकल चीज़ें भी बताई जो सब हो सकता है हेल्प करेगी सब लोगों को। सो थैंक यू मिस्टर करण जी।